फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बजरंगबली के मूर्ति को कलर और डेकोरेट करना सीखा था, पर उस वीडियो में मैंने आपको इनका ज्वेलरी बनाना नहीं बताया था। बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका ज्वेलरी डिटेल में बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए आज हम इनका ज्वेलरी बनाना सीखते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक बजरंगबली का मेकिंग वीडियो और कलर वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए इस ज्वेलरी को बनाना सीखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बजरंगबली का मुकुट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने गोल्डन कलर का पेपर ले लिया है। यह पेपर आपको स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा और इस पेपर पे पेन की हेल्प से कुछ इस टाइप से डिजाइन बनाना है। देखिए, मैंने व्हाइट पेपर पे बनाकर दिखाया है क्योंकि उस पे अच्छे से नहीं दिख रहा था। सेम इसी टाइप से गोल्डन पेपर पे डिजाइन बनाना है मुकुट का। और फ्रेंड्स, यह मैंने मुकुट का आगे का पार्ट बनाया है। इसके बाद पीछे का पार्ट हम ढक्कन की हेल्प से गोल शेप में इस टाइप से मार्क करके पीछे का पार्ट भी बना लेंगे। बहुत ही इजी है ये। देखिए, मैंने सेम इसी टाइप से गोल्डन पेपर पे भी डिजाइन बना लिया है मुकुट का। अब इसके ऊपर हम फेविकोल को लगाएंगे, देखिए डिजाइन पे, और इसी के ऊपर बॉल चैन और स्टोन चैन को चिपकाना है। तो सबसे पहले मैंने बॉल चैन को चिपकाया है। आप ध्यान से देखिए मैंने मुकुट को कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, बॉल चैन को लगाने के बाद स्टोन चैन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है कैंची की हेल्प से और उसी को मैंने फेविकॉल से यहाँ पे चिपकाया है। फ्रेंड्स, हमने मुकुट का आगे का पार्ट बना लिया है। इसके बाद हम मुकुट का पीछे का पार्ट बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखें मैंने पीछे का पार्ट कैसे बनाया है। और फ्रेंड्स, ये सारा मटेरियल आपको जिस दुकान पे चूड़ी, लेस, बटन, सुई धागा मिलता हो उसी दुकान पे आपको ये सब मटेरियल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमने मुकुट को बना लिया है। इसे ड्राई होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। तब तक हम इनका हाथ का ब्रेसलेट बना लेते हैं। और सेम इसी टाइप से मैंने इनका जनेऊ भी बनाया है। इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने इस जनेऊ को कैसे बनाया है। और फ्रेंड्स, जो हमने हाथ का ब्रेसलेट बनाया है, सेम इसी टाइप से इनका पैर का कड़ा भी बनाना है। और अब हम इनके गले का नेकलेस बनाएंगे। तो सेम इसी टाइप से गोल्डन पेपर पे डिजाइन ड्रॉ करना है पेन की हेल्प से और इसी पे फेविकोल लगाकर हम बॉल चैन और स्टोन चैन को चिपकाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, सेम इसी टाइप से आप अपने लड्डू गोपाल या बाकी अन्य देवी देवताओं के लिए भी छोटा छोटा ज्वेलरी बना सकते हो इसी प्रोसेस को फॉलो करके। फ्रेंड्स, हमने गले का नेकलेस बना लिया है। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इनका कमर बंद बनाएंगे। तो देखिए, इस टाइप से गोल्डन पेपर पे डिजाइन ड्रॉ करना है पेन की हेल्प से और इसी पे फेविकोल लगाकर हम बॉल चैन और स्टोन चैन को चिपकाएंगे।
फ्रेंड्स हमने कमरबंद बना लिया है, इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और बाकी सारा ज्वेलरी भी देखिए ड्राई हो चुका है। अब इन सबको हम कैंची की हेल्प से कट कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पेपर है साइड साइड से इन सबको हम कैंची की हेल्प से कट कर लेंगे। चलिए हम फटाफट सबको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मुकुट का जो पीछे का पार्ट था, इसके बीच का जो पेपर था गोल्डन कलर का, इसको मैंने कट कर लिया है कैंची की हेल्प से, और इसके पीछे मैंने रेड कलर के पेपर को फेविकोल की हेल्प से चिपका दिया है देखिए। और ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये मुकुट का पीछे का पार्ट है और ये मुकुट का आगे का पार्ट है। मुकुट हमारा बनकर रेडी है। बाकी सारे ज्वेलरी को भी हमने कट कर लिया है। ये कमरबंद है और ये गले का नेकलेस है, इसे भी मैंने कट कर लिया है। इसके बाद ये हाथ का करा है और ये बजरंगबली का जनेऊ है। देखिए सारा ज्वेलरी बनकर रेडी है। चलिए इसको हम मूर्ति में पहनाते हैं, मूर्ति को डेकोरेट करते हैं। इन सारे ज्वेलरी को मैंने ग्लू की हेल्प से मूर्ति में चिपकाया है, फेविकोल से भी आसानी से चिपक जाएगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस मूर्ति का मेकिंग वीडियो भी देख सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस में मैंने इस मूर्ति को बनाना सिखाया है उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स मूर्ति डेकोरेट हो चुका है, देखिए मूर्ति का फाइनल लुक। फ्रेंड्स आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी मेरे वीडियो से सीखकर कुछ क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टा पे जरूर शेयर करें। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।